हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम केंजा मेटा, आई एम ए ट्रैवल ब्लॉगर। दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं आलो के नया पोतो स्टूडियो। जी हाँ, मैं बेने ब्रिज का बात कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं और पोतो खींच रहे हैं, तो हम भी आज आपको वर्चुअली दिखाने जा रहे हैं। अगर शायद आज तक हम ही होगा जो ये बेने ब्रिज को नहीं देखा, और अगर आप भी एक उनमें से है जो आज तक नहीं देखा, तो चिंता मत करिए, हम दिखाएगा वर्चुअली। तो वीडियो में बने रहे। तो ये एक वक्त ऐसे था कि जब ये बेने ब्रिज नहीं बना था, तो काफ़ी लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इस तरफ जो बेने का मैक्सिमम केती है, पानी केती है, उसको दान को ले जाने के लिए वो कई किलोमीटर दूर पातुम से होके घूर के जाना पड़ता था। और तब अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या करता था, हम वहाँ से नदी में लोकल नाव बना के वहाँ से दान को पार करता था। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्स होता था, लाइफ का भी रिक्स होता था, और दान भी गिर जाने का खतरा था पानी में। तो इसी मसला को सुलझाने के लिए हमारा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने आज ये बनाया है स्टील आर्च ब्रिज, जो है कि अब आलो का नया पोतो स्टूडियो के नाम से फेमस हो गया है। तो लोग काफ़ी आ रहे हैं पोतो खींचने के लिए। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप आइए, देखिए, खूब सारा इंजॉय कीजिए, लेकिन जगह को प्लीज़ प्लीज़ गंदा मत कीजिए। आपका जो भी डस्टबिन कुछ भी लेके आते हैं, तो सब साफ कर दीजिए। और ये है कि उसमें जो बस्ती है, सबको भी अभी यही से गुजर के जाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रिज बना है। तो मैं गवर्नमेंट को भी थैंक्स करता हूँ। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि ये ब्रिज बन गया, तो काफ़ी लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं और काफ़ी सुविधा का फेस कर रहे हैं। तो हम आइए इनसे जानते हैं, ये यहाँ का एक लोकल है, गांववासी है। तो ये रास्ता जब नहीं बना था, तो क्या प्रॉब्लम था और अभी क्या फेस कर रहे हैं, उसको हम बात करते हैं। दोस्तों, आइए हम एक यहाँ का गाँव का लोकल वाले से आपको मिलाते हैं। सबसे पहले हम इसको मेरे चैनल में स्वागत करते हैं और हम इसका नाम जानने की कोशिश करते हैं। आप वो सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए हमारा जनता को। मेरा नाम बिनगे है, मैं बेने बस्ती का है, गाँव बुरा है। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए, पहले जब ब्रिज नहीं बना था, उसमें क्या प्रॉब्लम आता था, और अभी जब ब्रिज बन गया, तो उसमें आपको क्या एडवांटेज मिले, थोड़ा बता दीजिए हमारा जनता को। पहले तो हम लोग का जो ऐसे सस्पेंशन ब्रिज था, हैंगिंग ब्रिज था, उसमें इतना तकलीफ था। हम लोग दान को भी इतना पहाड़ से लेके आता था, और वहाँ से फिर बुक के इधर भी ये करता था, बुक के यहाँ लेके फिर कुश्ती में लेके से होता था, और वहाँ से घूर के पतुम होके भी दाना को पकाता, अच्छा। जाके दाना को ट्रैक्टर में ले जाता था। और ये पहले भी वहाँ से ये वो 19 किलो बोलता है कम्बांग का साइड से भी हम लोग नाव से पार करके दाना को बुकता था। अभी तो ऐसे हो गया, अभी तो ब्रिज बन गया ना, बहुत सुविधा हो गया, बहुत सुविधा गया ना। इतना अभी सब ये VIP भी ऐसे देखने आता है, अच्छा। टूरिस्ट भी आता है देखने के लिए, और यहाँ में बोंगने, काम्बू, पाया, वो जो केरंग का ये सब यहाँ से पूरा सामान लेके जाता है ना। अभी क्योंकि इस साइड में तो सियांग साइड में तो कोई भी रास्ता प्रॉपर ब्रिज नहीं है ना अभी तक, तो मैक्सिमम यहाँ से ही पार करके जाते हैं। तो आपका राय में क्या, डेवलपमेंट अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। जैसे कि कभी कभी कोई कोई बस्ती में ऐसे होता है कि बस्ती के हालात का होता है, उन लोगों का माइंड ग्रोथ नहीं है ना आप लोग का जैसे, तो कोई डेवलपमेंट आने से, जैसे रास्ता आने से, टावर आने से, ब्रिज आने से, उन लोग नहीं चाहिए डेवलपमेंट, क्योंकि उसका रास्ता मिट्टी जा रहा है, ऐसे कहना है। तो उसको आप क्या कहना चाहिए, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से आप थोड़ा बता दीजिए। ये जो जैसे है, जो नहीं जानने वाला, जहाँ में ये जमीन है ना, वहाँ में रास्ता होने से बहुत डेवलपमेंट होता है, लकड़ी और बागान छागान भी कर सकता है, जो भी बागान कर सकता है। जहाँ में रास्ता नहीं होगा, उसमें तो इतना मत्ती होने से भी कुछ काम में नहीं आता। अच्छा, ठीक, तो डेवलपमेंट होना ही है, डेवलपमेंट होना ही है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए इसके माध्यम से? मेरा गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लगता है, इतना डेवलप कर रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा है। और लास्ट आप जहाँ में जो भी हमें दर्शक आते हैं ना देखने के लिए ना, काफ़ी बाहर से भी आते हैं और हमारे यहाँ से भी आते हैं, बहने से भी आते हैं, तो उसको आप क्या कहना चाहें, जैसे कि यहाँ में गंदा मत के लिए ना, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, जो आते काफ़ी के ऐसे फेंकते हैं, तो उसको भी आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें तो हम लोग पूरा इसमें साइन बोर्ड भी देखिए, इसमें साइन बोर्ड भी लिख के रख चुका है अपना से हम लोग ये फाइनेंस करके, तो उसमें आप साइन बोर्ड को भी ले सकता है। इसमें तो जो भी आके यहाँ में पान का के नहीं थूकना है, और ये कुछ मिठाई सिताई का के जेबरा नहीं पकना है, जो चाहिए तो खा लीजिए, पी लीजिए, लेकिन उसको अपना से हिसाब करके चला जाइए। हम ऐसे ऑर्डर भी दे चुका है, जो नहीं मानेगा यहाँ से कोई भी
ऐसे नॉट बॉल तो इस पर बॉल लगाया ना, उसमें छः सात तो ऐसे लड़का लोग चोरी करके ले गया। अच्छा, तो हम लोग फाइन भी इम्पोज कर लेंगे, क्योंकि वो अपना प्रॉपर्टी है ना, अपना प्रॉपर्टी को डैमेज करने से कुछ नहीं असर पड़ेगा ना, तो इसलिए हम दर्शकों को कहना चाहेंगे अच्छा से यूज़ करिए, आइए और देखिए साफ सुथरा करके चला जाइए ना। ठीक है, अब आपको मिल के बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आइए हम हमारा ट्रैक्टर ड्राइवर लोग से भी बात करते हैं, ये रास्ता बन गया तो कितना सुविधा है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो सर आप थोड़ा बता दीजिए ये रास्ता के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहेगा। हम लोग जब वहाँ से बगने से उस तरफ जाते समय में हम लोग का बहुत पैसा भी जाता था और फिर ये रास्ता भी बहुत लॉन्ग था, रास्ता भी बहुत लॉन्ग था ना, और उसमें काफी समय लग जाता था और पैसा भी काफी बर्बाद होता था ना। तो अभी अभी कितना शॉर्ट हो गया और कितना फायदा मंद हो रहा है आप लोग को? अभी तो यहाँ से हम लोग को आना जाने के लिए भी सुविधा हो रही है, हमें जितना भी बगने उधर जाने के लिए भी। हाँ, तो बहुत समय भी बच जाते हैं ना। हाँ, समय भी बहुत बच जाते हैं, आलम फंसते फंसते हमें मार्केटिंग भी करने का समय मिल जाता है। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट हमारा अरुणाचल के लिए ठीक है कि नहीं है? डेवलपमेंट ठीक है ना, ठीक है। आइए तो इसका साइलेंट फीचर देखते हैं, नेम ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरेबल ब्रिज ओवर सियोम रिवर एट बेने अंडर CRPF, एस्टिमेट कॉस्ट 1,150 lakhs, फंडिंग स्पान 96 meters है और लेटीट्यूड 28 degrees, लॉन्गिट्यूड 94.5, टाइप ऑफ ब्रिज स्टील आर्च ब्रिज लॉस।
दोस्तों हम होप करते हैं कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा और हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप हमें खूब प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।